अब हरियाणा में रहने वाले प्रवासियों व गरीब परिवारों को किसी भी राशन डिपो से राशन मिल जाएगा। इसके लिए उन्हें अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक कराना होगा। वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत आज कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें फूड एंड सप्लाई विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मेघना तंवर और जिला उपायुक्त निशांत यादव ने गुरुग्राम में रह रहे प्रवासियों व गरीब परिवारों के लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को सहायता देना है, चाहे वह मूल रूप से किसी भी राज्य अथवा जिले का रहने वाला हो और कार्य के लिए किसी भी राज्य अथवा जिले में रह रहा हो। वह जहां भी हो उसे अपने पास के डिपो से ही राशन मिल जाए। आज के वन वार्सी का जो हमारा कार्यशाला था, इसका आयोजन हमने हरियाणा राज्य में किया। राज्य सरकार ने बहुत ही सफलता से आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे साथ मिलकर करवाया और डीसी साहब ने जिस प्रकार से लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया, उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि वो उनके कार्यालय में भी आके उनसे मिल सकते हैं, अन्यथा वहाँ पर राज्य आपूर्ति विभाग का जो कार्यालय वहाँ भी जा सकते हैं। आधार केंद्र के विषय में जानकारी दी, क्योंकि सबसे बड़ी इस योजना की सफलता के पीछे आधार कार्ड है। अगर आपका आधार कार्ड आपके राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है तो राशन प्राप्त करने में समस्या होती है। तो ये सारे वो चीजें हैं जिन्हें की इस कार्यशाला का हिस्सा होना ही होना था और ये हुए और काफी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान अपने जिस उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया है वो उस राह पर चल रहा है। इसके लिए मैं वापस से हरियाणा सरकार का बहुत धन्यवाद। देखिए, डिपो धारक वो इकाई होते हैं जिनके माध्यम से इस योजना को चलाया जाता है। राशन देने का काम जो कि वही करते हैं, दुकानें उनकी हैं या किराए पे चला रहे हैं, लेकिन वही एक इकाई है, वो एक जगह होती है उनकी दुकान जहां लोग जाते हैं हर महीने, तो उनके ही माध्यम सबको संचालन होता है। उनका जागरूकता सबसे बड़ा विषय है। राज्य सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि उनके लिए अलग से भी जागरूकता अभियान चलाना चाहते हैं, आवश्यकता महसूस होती है तो चलाएं, ताकि इसको और अधिक सफल बनाया जा सके और लोगों को जो माइग्रेंट्स हैं बेसिकली उनको और जो लोग अपनी दुकानों में आसपास से राशन नहीं ले पाते हैं, जहां भी लेने की इच्छा रखते हैं, वो सभी समस्याओं को दूर करके जो उद्देश्य है कि आपका राशन आपके द्वार जाए एवं आपको खाद्य एवं पोषण की सुरक्षा देना, जो पूरे भारत सरकार राज्य सरकारों का मिलकर दायित्व है, वो हम वास्तव में उसको वास्तव में हम अर्जित कर सकें और उसको वास्तव में लोगों की भागीदारी के साथ सुनिश्चित कर सकें। देखिए, इसमें बहुत चीजें अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए भी किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं जो कि राज्य सरकार की हो अथवा भारत सरकार की वेबसाइट पे भी ऑप्शन आता है कि अगर नहीं बना है तो आप अपनी बात को कह सकते हैं। और भी बहुत चीजें हो रही हैं जो कि मैं अभी इस समय नहीं बता सकती, क्योंकि उनमें कार्य चल रहा है, बहुत बड़े स्तर से कार्य चल रहा है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ भारत सरकार का ये विभाग ही इस पे काम कर रहा है, जबकि पूरी भारत सरकार, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम हर महीने हमें सुनिश्चित करना होता है और उसमें राज्यों की भागीदारी के बिना ये हो ही नहीं सकता। जो अंतर्राज्यीय संचालन है वो राज्य सरकार ही करती है, तो उसके लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं कि हम सब मिलकर काम करें। तो कोटेदार हो और चाहे जनता हो, 80 करोड़ लोगों को राशन तभी पहुंचाया जा सकता है जबकि राशन कार्ड ठीक से बने हो, उनमें जो खामियां ना दूर किया जाए। तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। ज्यादा राज्य सरकार का कार्य होता है, तो डीसी साहब ने ऑलरेडी कहा है अपनी सभी भागीदारी यहाँ जिन्होंने दिया उन लोगों से कि वो आए उनके कार्यालय में, उनसे ही बात कर सकते हैं, समस्या के लिए विभाग में भी जा सकते हैं। और मैंने भी अपनी बात को कहा है कि हमें मोर एंड मोर ऑनलाइन प्रणाली की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि लोग जो गांव में बैठे हैं, जो दूर क्षेत्रों में बैठे हैं, उनको समस्या ना आए, तो अपने मोबाइल के माध्यम से ही अपने राशन कार्ड में होने वाली त्रुटियों वगैरह को सुधरवा सकते हैं। जिला उपायुक्त निशांत यादव की माने तो जिले में 10 लाख से भी अधिक प्रवासी रहते हैं, जिनके उनके पैतृक निवास पर राशन कार्ड तो बने हुए हैं लेकिन वह उनका उपयोग नहीं कर पा रहे। इसका उपयोग करने के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है और अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए कहा जा रहा है, ताकि वह देश के किसी भी कोने में राशन कार्ड का उपयोग कर सके। इसमें देखिए, ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसका उद्देश्य ये है कि चाहे कोई भी राशन कार्ड होल्डर हो, बेनिफिशियरी हो, वो किसी भी स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, उसको राशन मिले। तो जितने भी, विशेष करके गुरुग्राम में हमने देखा कि बहुत सारे प्रवासी जो मजदूर हैं या जो गरीब लोग हैं, राशन कार्ड होल्डर हैं, वो यहाँ पे बाकी स्टेट से आते हैं, तो उनको इसका ये फ़ायदा होगा कि वो अपने नज़दीकी डिपो होल्डर के यहाँ जा कर के और राशन ले सकते हैं और उनको ये निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि उनको अपने होम स्टेट में ही राशन लें। इसका एक बड़ा फ़ायदा होगा और उसमें पूरे हरियाणा, इसमें जो प्रदेश है वो, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इस स्कीम के को लेकर के,
और हम आज का जो हमने आयोजन किया था, विशेष रूप से जो हमारे प्रवासी मजदूर थे, गरीब लोग थे, उनको एक तरीके से हमने इसके बारे में जागरूक किया और उनसे ये आग्रह किया कि वो उसकी इस सुविधा का फ़ायदा लें। आगे हम कोशिश करेंगे कि बड़ी एक जोर शोर से इसका प्रचार अभियान करें ताकि जितने भी मजदूर और गरीब लोग हैं उनको इसके बारे में जानकारी मिले। इस समय जो हमारा एस्टिमेशन है वो लगभग 10 लाख के आसपास है जो हमारे गुरुग्राम में बाहर के लोग होंगे, अलग अलग फील्ड के, और उसमें से काफ़ी सारे जो है वो बेनिफिशरी भी होंगे क्योंकि वो ज़्यादातर लोग मजदूर और उस अनस्किल्ड काम करते हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि उन सब तक इसका फ़ायदा पहुँचे।